Hello everyone, here I am Miss Rupam Bajpayee, and in our I'm going to continue here today the word problems. तो हम क्या करने वाले हैं आज word problems के जो sums हम लोग solve कर रहे हैं उनको continue करते हैं. And in our today's class we are going to solve from the question number 5. तो हम नंबर 5 सम्स को सॉल्व करते हैं. एंड हेयर आई एम गोना रीड इट आउट एंड देन आफ्टर मी यू ऑल्सो हैव टू रीड द सम्स. मतलब आपको पहले ये जो सेंटेंस क्वेश्चन होता है इसको अच्छे से रीड करना होता है. एंड यू शुड नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि वो उसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इट वांटेड टू नो अबाउट. ओके, दिस ऑल यू हैव टू डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग इट आउट. सो हियर आई हैव विक्रम बॉट एंड VIKRAM विक्रम बॉट. एंड दिस बॉट मीन्स खरीदना. बॉट मीन्स क्या होता है? बाय करना. बॉट मीन्स क्या होता है? बाय करना. सो विक्रम बॉट थ्री बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. विक्रम बॉट थ्री बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड हिज फ्रेंड बॉट. सो विक्रम ने कितना बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स को खरीदा? ही बॉट थ्री बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक. मतलब उसने कोल्ड ड्रिंक्स के थ्री बॉटल्स को बाय किया, उसने खरीदा. एंड हिज फ्रेंड बॉट सिक्स बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. इट मीन्स कि उसका फ्रेंड, हुज फ्रेंड? विक्रम्स फ्रेंड. विक्रम्स फ्रेंड बॉट सिक्स बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. हाउ मैनी बॉटल्स डिड दे बाय? मतलब कि उन्होंने टोटल कितने बॉटल्स को बाय किया या खरीदा. ओके, सो हेयर एज आई टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व द सम. सो देयर विल बी अ प्रॉपर मेथड टू सॉल्व. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट हेयर द हेडिंग सॉल्यूशन. ओके, यू कैन राइट हेयर सॉल्व वर्ड टू, बट आई थॉट to give you this word solution, so you will also write solution. So then you have to write the summary, like you have to explain. मतलब आपको question को, it's not just like you will write the digits and it's over. आपको ऐसा नहीं करना है that you will write the digits and you solved it and you will think that the teacher will give you full marks for it. मतलब कि अगर आप इस तरह से सिर्फ digits लिखा, आपने 3 लिखा, 6 लिखा and you just got the answer and think that miss will give you full marks. So no, I am not gonna do this. You have to write a proper way for the word problems. जो word problems वाले sums होते हैं इसके लिए आपको properly उन्हें solve और explain करना होता है. Like this, I have written here solution. ठीक है, solution में हमने क्या दिया? विक्रम bought three bottles of cold drink. So I have written here विक्रम bought is equal to three bottles. विक्रम ने कितने bottles को buy किया? Three bottles को. And his friend bought, it means उसके friend ने खरीदा six bottles. Then I told you to give here space. मैंने आपसे पहले भी बोला था to give here space. And why we are giving here space? For this plus sign. This should be visible properly. मतलब आपका ये जो plus sign होता है ये आपको properly दिखना भी चाहिए. So that is why I told you to leave some space and write it in a proper way. And numbers should be इन अ सीक्वेंस. मतलब एक के बाद एक नंबर इन उसको प्रॉपरली होना चाहिए. इट शुडन बी लाइक कि आप यहाँ, सॉरी यहाँ पे दिखेगा आपको कि आपने यहाँ कहीं 3 लिखा है फिर उसके बाद यहाँ 4 लिख दो, आप कहीं पर भी प्लस साइन लगा दो. दिस इज़ नॉट द राइट वे. ये सही वे नहीं होता है. ओके, सो यू विल राइट लाइक दिस. विक्रम बॉट, विक्रम ने खरीदा, क्या खरीदा? 3 बॉटल्स. एंड हिज फ्रेंड बॉट 6 बॉटल्स. देयर मस्ट बी अ प्लस साइन प्रॉपरली एंड देन यू विल एड बोथ दीज डिजिट्स. आप इनको एड करेंगे. एंड हाउ आई हैव टोल्ड यू टू एड? आइदर यू कैन टेक योर फिंगर्स हेल्प टू गेट द आंसर, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ लाइन्स टू गेट द आंसर. लाइक देयर इज गिवन 3 बॉटल्स, नो? सो आई विल ड्रॉ 3 लाइन्स, आई विल एड हियर प्लस साइन एंड देन दे हैव गिवन टू अस 6. सो 6 आई विल ड्रॉ लाइन्स. ठीक है, एंड देन आई विल एड देम ऑल टुगेदर. मतलब मैं इनको साथ में ऐड कर दूंगी सो दैट आई विल गेट द आंसर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वे. सो लेट्स काउंट इट ऑल टू गेट द आंसर. हियर वी हैव 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. So you got the answer 9 here by doing this method, by following this method, or you can use your fingers to get the answer too. Now, after getting this much, मतलब इतना solve करने के बाद आपको यहाँ पे properly answer भी देना होता है, like this I have given to you all. मैंने जैसा आपको दिया है यहाँ answer, like this you should also solve it in a way. So here the answer 9 bottles they bought. ठीक है, अब आपको यहाँ पे problems आएगा कि आपको इसको sentence को आप without anyone's help, how you will फ्रेम द सेंटेंस, आप इसको कैसे फ्रेम करेंगे. इफ़ यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम टू राइट द आंसर इन अ सेंटेंस वे, सो वट यू कैन डू इज आफ्टर यू कैन सी द क्वेश्चन. ठीक है, आप क्वेश्चन को फिर से देखिए एंड हेयर यू विल सी द हाउ मैनी वर्ड्स. ठीक है, इतना तो आप नोटिस कर लोगे जल्दी से, है ना. तो हम यहाँ देखते हैं हाउ मैनी वर्ड्स और इसके प्लेस पर हमने अपना आंसर लिख दिया. ठीक है, इसी लाइन को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें भी आपको कुछ ध्यान में बातें रखना जरूरी है. एंड दैट्स लाइक इन प्लेस ऑफ हाउ मैनी आई हैव रिटन हियर नंबर बॉटल्स डिड दे बाय. इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट 9 बॉटल्स दे डिड बाय. ठीक है, अगर ये डिड वर्ड या डज या डू वर्ड आता है तो इसका, और यहाँ पे दे देम अगर कुछ आता है तो उनको बस आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा एंड देन यू कैन राइट अ प्रॉपर सेंटेंस ऑल्सो. अदरवाइज वट आई हैव रिटन ऑल्सो यू कैन राइट. ठीक है, सो हियर 9 बॉटल्स दे डिड दे बॉट. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन manage your own self to solve the sum proper way. ठीक है, आप इसको खुद से भी solve कर सकते हैं proper way में. You just need to do one thing which is reading practice. ठीक है, आपको reading properly करनी होगी. That is the only way to solve a sum in a proper manner. ठीक है, आपको उसको ठीक से solve करने के लिए reading बहुत अच्छे से करनी होती है. ठीक है, जितना अच्छे से आप read करोगे उसको आप समझोगे, then only you can solve any sum in a proper manner. ठीक है, चलो तो हम next अपना sum देखते हैं. So here we have number 6. Anil has 5 toy cars. Anil has 5 toy cars. It means has, अगर कहीं पर has और have आता है. ठीक है, तो इट्स इसका मतलब हो जाएगा कि उनसे वो चीज़ बिलोंग करती है, मतलब वो उनका है. ठीक है, सो अनिल हैज़ 5 टॉय कार्स. अनिल के पास क्या है, 5 टॉय कार्स है. तो हियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैज़ और हैव विल बी दैट द थिंग बिलोंग्स टू देम, मतलब वो चीज़ उनसे बिलोंग करती है, वो उनकी है. लाइक आई विल से आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल. आई कैन से मेरे पास क्या है, एक पेंसिल है, इसका मतलब ये हुआ. सो यहाँ पर भी सेम रहेगा. अनिल हैज़ 5 टॉय कार्स एंड 5 टॉय एरोप्लेन्स. क्या है अनिल के पास, अनिल हैज़ 5 टॉय कार्स, उसके पास 5 टॉय कार्स हैं एंड 5 एरोप्लेन, AEROPLANES, एरोप्लेन्स. तो अनिल के पास क्या है, 5 टॉयज एंड एरोप्लेन्स. हाउ मैनी टॉयज डज ही हैव, उसके पास कितने टॉयज हैं. सो हाउ वी विल सॉल्व दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फर्गेट टू राइट हियर द वर्ड सॉल्यूशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन एंड देन यू विल राइट द सम इन अ सेंटेंस वे. सो अनिल हैज़ टॉय कार्स इक्वल टू 5. ठीक है, मैंने यहाँ देखो स्पेस भी दिया हुआ है. देन टॉय एरोप्लेन्स इक्वल टू 5 बिकॉज 5 टॉय कार्स एंड 5 एरोप्लेन्स. इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड अनिल हैज़ यू कैन सिंपली राइट टॉय कार्स एंड टॉय एरोप्लेन्स ऑल्सो, दैट ऑल्सो विल बी करेक्ट. ठीक है, वो भी सही होगा. सो 5 प्लस 5, अब हमें इसे ऐड करना है. हाउ वी विल डू दिस, वी कैन टेक आर फिंगर्स टू सॉल्व, अदरवाइज वी कैन ड्रॉ 5 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5, 1, 2, 3, 4, 5. Now add them all. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So our answer is 10. That is how you can get the answer. Now you have to write here the answer in a proper way also. So what you will do, you need to write the sentence. और ये sentence आप कैसे लिखोगे. So मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको क्या करना है, question में से देखना है और जहाँ पर लिखा होता है how many,
उसके प्लेस पर आप अपना नंबर पुट कीजिए एंड देन यू कैन टेक द सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन एज इटसेल्फ. ठीक है, आप उसको वहीं से ले सकते हैं. सो 10 टॉयज डज ही हैव, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. अगर कहीं पर आपको डज, डिड और डू वर्ड्स आते हैं ना, तो आपको इनको नहीं लिखना होगा. ठीक है, अदरवाइज ही डज हैव, अगर आप इस वर्ड के बाद में लगाते हो तब वो सही है, अदरवाइज आप ऐसा कीजिए, इनको रहने ही दीजिएगा. ठीक है, तो आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए. मैं बस इतना ट्राई कर रही हूँ कि इससे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाए. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज नंबर 7. 4 काउज वर ग्रेजिंग इन फील्ड. 4 काउज वर ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इन फील्ड. ग्रेजिंग का मीन्स होता है, आपने देखा होगा कि काउस जो होती हैं वो फील्ड में घास को चरती हैं. ठीक है, तो दैट इज़ ग्रेजिंग इन फील्ड. एंड 2 मोर जॉइंड देम. जॉइन करना क्या होता है? सो जॉइन मीन्स होता है उनको अकम्पनी, मतलब उनके साथ मिल जाना. जैसे लाइक योर मदर इज़ वर्किंग इन द किचन. ठीक है, आपकी मामा क्या कर रही हैं? शी इज़ वर्किंग इन किचन, शी इज़ कुकिंग फूड. एंड योर आंट ऑल्सो कम्स एंड स्टार्ट्स हेल्पिंग हर. तो उन्होंने क्या किया है, तुम्हारे आंट आते हैं और वो भी उनको ज्वाइन करती हैं, कंपनी करती हैं. तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो उनको ज्वाइन करना, मतलब उनको ज्वाइन करना होता है. ठीक है, सो हियर 4 काउज वर ग्रेजिंग इन फील्ड. 4 काउज क्या कर रही हैं, फील्ड में ग्रेज कर रही हैं. एंड 2 मोर जॉइंड देम, 2 मोर काउज वहाँ पर आ जाते हैं. सो हाउ मैनी काउज आर देयर इन द फील्ड. अब वहाँ पर फील्ड में कितने काउज हैं, लेट्स सी. तो आपको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द वर्ड सॉल्यूशन लाइक दिस. देन cows in field, I have written cows in field. You can even write from the question also that cows were grazing in field, but that will be a big sentence, no? अगर आपको इतना याद ना रहे तो आप ऐसा करना, हमेशा question में से ही sentence लिख सकते हो. ठीक है, but digits should be in a proper way that you have you are writing this equal marks and digits or also in a proper way, then you are writing any big sentence that also will be correct. तो वो भी correct हो जाता है. ठीक है, then 2 more joined them, so cows joined. कितनों ने join किया है, 2 cows joined. Now I have to add all these number, so how I will do this, I'll draw 4 lines, 1 2 3 4 4 4 and 2. I am putting there this plus sign and 2, and now I will add them all together, so there 1 2 3 4 5 and 6. That is how I got this answer. Now time to write the answer in a sentence way. So मैंने यहाँ पर answer लिखा and then हम again यहाँ पर कौन सा word ढूंढेंगे question में, आपको ये तो अब तक याद हो गया होगा क्योंकि मैं बार बार repeat कर रही हूँ, है ना. तो यहाँ how many word को आपको ढूंढना है जल्दी से, and then you will write the number and as simply you can take this sentence proper way. Now we have here next sum which is number 8. In one रूम, ठीक है, ये आपको मे बी समझ में ना आ रहा हो तो मैं ये रूम लिखा है. ठीक है, इन वन रूम देयर वर 7 प्लास्टिक चेयर्स. इन वन रूम मतलब एक रूम में देयर वर 7 प्लास्टिक चेयर्स. वहाँ पर क्या थी, 7 प्लास्टिक चेयर्स थी. एंड प्लास्टिक चेयर्स तो आप सभी ने देखी होंगी आपके घर में. इफ़ यू डोंट हैव एट योर होम देन मे बी इन अदर योर नेबरहुड योर रिलेटिव्स यू मस्ट हैव सीन, है ना, आपने देखी ही होंगी शायद दैट देयर वर 7 तो क्या थी, प्लास्टिक चेयर्स थी. ठीक है, एंड 2 केन चेयर्स. अब ये केन चेयर्स क्या होती हैं, सो केन चेयर्स एक बैम्बू की बनी हुई चेयर्स होती है. मतलब आपको कभी अगर आप देखेंगे तो लकड़ी या बैम्बू की बनी हुई चेयर्स होती हैं, उनको हम बुलाते हैं केन चेयर्स. ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स. मतलब क्वेश्चन बोल रहा है दैट इन वन रूम देयर वर 7 प्लास्टिक चेयर्स. एक रूम में 7 प्लास्टिक चेयर्स हैं एंड 2 केन चेयर्स हैं, और 2 केन चेयर्स हैं वहाँ पे 7 प्लास्टिक चेयर्स और 2 केन चेयर्स हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स. अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट
टोटल नंबर ऑफ चेयर्स को फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर द हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन लाइक मी. आपको मेरे तरह ही सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी सॉल्यूशन, एंड देन यू विल राइट लाइक दिस प्लास्टिक चेयर्स. तो क्या है प्लास्टिक चेयर्स, कितना है 7, एंड केन चेयर्स कितना है 2, एंड देन ऐड देम ऑल टुगेदर. इनको साथ में ऐड कर देते हैं. एंड हाउ यू विल ऐड, सो गोना ड्रॉ लाइंस 7 फॉर द 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 के लिए. देन एडिड प्लस साइन, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है. देन आफ्टर 2 फॉर 2 लाइन्स, देन आई विल काउंट देम ऑल टुगेदर टू गेट द आंसर. अब मैं इसको साथ में जब ऐड करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो मुझे मेरा आंसर मिल गया 9 यहाँ पर, दैट आई रोट, ठीक है, मैंने उसको लिखा. नाउ नेक्स्ट यू विल राइट आंसर हेयर, ठीक है, लाइक मी यू विल राइट आंसर. सो हेयर द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स आर इक्वल टू 9. आप यहाँ पर लिखा है ना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, यहाँ पे अभी तक हमें क्या वर्ड मिलता था दैट हाउ मैनी, है ना, लेकिन यहाँ न्यू वर्ड आया है विच इज़ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स. ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे, यू कैन जस्ट सिंपली दिस फाइंड वर्ड इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन राइट 9 इज द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, ऐसा भी कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन राइट लाइक द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स आर 9, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको फ्रेम किया सेंटेंस को. सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट वन सम. सो हियर वी हैव नंबर 9, पीटर बॉट 2 पैकेट्स ऑफ स्वीट, P-E-T-E-R, पीटर, पीटर इज मे बी नेम ऑफ सम बॉय, एनी बॉय, ठीक है. तो पीटर बॉट, अब बॉट का मीन्स मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, पीटर बॉट, बॉट मीन्स उसने बाय किया, उसने खरीदा. सो पीटर बॉट 2 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स, माने उसने स्वीट्स के 2 पैकेट खरीदे इन द मॉर्निंग, उसने मॉर्निंग में लिया, ठीक है. पीटर बॉट 2 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इन द मॉर्निंग, मीन्स उसने स्वीट्स के 2 पैकेट्स कब लिए, मॉर्निंग में, एंड 8 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इन द इवनिंग, और उसने इवनिंग में 8 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स लिए, ठीक है. मींस आपको इतना तो पता हो चल गया है कि क्वेश्चन में उसने हमको बताया क्या है. सो पीटर बॉट 2 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स, उसने स्वीट्स के 2 पैकेट लिए इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में लिए, एंड 8 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इन द इवनिंग, इवनिंग में उसने 8 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स लिए. नाउ हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ स्वीट डिड ही बाय ऑल टुगेदर, मतलब उसने टोटल या पूरा कितने स्वीट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ स्वीट्स लिए, ठीक है. सो हाउ वी विल सॉल्व दिस, एज बिफोर many time I've told you, first of all you will write here solution word, then you have to summarize it, मतलब इसको आपको explain करना होता है, ठीक है. In word problems you need to write a you need to solve the sum in a proper way, ठीक है. So bought sweets in the morning, I have written, आप यहाँ पे पीटर भी लिख सकते हो, पीटर bought sweets in the morning 2 packets and bought sweets in the evening will be 8 packets. तो आपने यहाँ पे देखा, एंड देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देना होता है फॉर द प्लस साइन, डोंट फॉरगेट टू डू दिस. देन ऐड देम टुगेदर, आप इसको साथ में ऐड करेंगे, देन 8 प्लस 2 आंसर विल बी 10, एंड then in the last you have to write the answer which is like this, and answer will be in a sentence way. So 10 packets of sweets he bought altogether, aur ye sentence aapko kaise banana hoga to aap isko question mein dekhenge, jahan par how many word likha hua hai uske baad ka pura sentence hum answer mein likh sakte hain, theek hai. So you can write 10 packets of sweets he buy all together, या he bought all together, या फिर he did buy all together, ठीक है, इस तरह से आप करिएगा. Then next is and the last one is number 10. So here we have 3 parrots and 6 mynas are sitting on a tree. 3 parrots and 6 mynas, M-Y-N-A-H-S, mynas. Mynas क्या होती हैं, ये भी एक birds होती हैं, and parrot you all must have seen. Parrot कैसा होता है, green color का होता है parrot word. So 3 parrots and 6 mynas are sitting on a tree.
तो एक ट्री पर कौन कौन बैठा हुआ है? 3 पैरेट्स एंड 6 मैनास बैठे हुए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हियर वी हैव सॉल्यूशन, पैरेट्स, पैरेट्स कितने हैं हमारे पास? 3। एंड मैनास कितना है? 6। देन लेट्स एड देम ऑल टुगेदर, सो 3 प्लस 6 विल बी, आंसर विल बी 9। सो आफ्टर गेटिंग दिस आंसर आई विल राइट इट इन अ सेंटेंस वे, सो आंसर इक्वल टू, सो आपको ये आंसर भी यहाँ से सेंटेंस ले सकते हो, सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर 9, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, अदरवाइज 9 आर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ऐसा भी कर सकते हो आप, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। तो हमारे बर्ड प्रॉब्लम्स तो हमने पूरे सॉल्व कर लिए, अब आपको इन सभी बर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम्स को अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। हमेशा कभी मत भूलना कि आपको पहले क्वेश्चन भी लिखना होता है नोटबुक में, देन सॉल्यूशन, देन उसको सॉल्यूशन में उसको एक्सप्लेन करते हैं हम, एंड देन आंसर भी एक सेंटेंस में होता है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको इतना कुछ करना होता है। So here I am finishing my today's class. I hope you understood all. If you don't, then again watch the video. ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को फिर से देखिए स्टार्टिंग से, ठीक है, तो इस तरह से आपको और समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। Now here I am finishing this video. Take care of yourself everyone. Bye bye.